जी प्रणाम। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते जी, मैं बोल रहा हूँ स्वामी रामदेव। ओम, प्रश्न पूछ सकते हैं आप मुझसे? हाँ जी, मैं ये सोच कह रहा हूँ साहब कि मेरे जी मान लो एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है जी। किसकी एलर्जी? इन्फेक्शन जो एलर्जी? जो एलर्जी क्या किस तरह की? स्किन की एलर्जी एलर्जी होती है, श्वास की एलर्जी होती है? नाक में पानी पड़ना, छींकी आना, अच्छा। और हाँ जी चलिए अब मैं एलर्जी का पूरा इलाज बता देता हूँ। आजकल ना एलर्जी के भी टेस्ट 200-250 प्रकार के हो गए। किसी को खाने पीने की चीजों से एलर्जी, किसी को घी से, किसी को दूध से, किसी को गेहूं से, किसी को चावल से, खट्टी चीजों से, खाने पीने की चीजों की भी एलर्जी होती है। वो तो कपालभाति और गिलोय का सेवन करने से दूर हो जाती है। अद्भुत। फिर ये जो श्वास की एलर्जी है उसके लिए 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड, इससे ये नज़ला, सर्दी, जुकाम, काफ, एलर्जी दूर हो जाती है। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड, शक्कर या मधुरम ले लीजिए पतंजलि की, ये एक 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 चम्मच 5-7 ग्राम रात को दूध के साथ लेकर के सो जाइए। ऐसे भी 5-7 बादाम और 2-3 काली मिर्च लेने से एलर्जी की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। गिलोय तो 2-2 गोली लेना ही पड़ेगी। गिलोय और स्वासारी का क्वाथ पी ले तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। एलर्जी के लिए बेस्ट है, किसी भी तरह की एलर्जी हो, और पहले दिन से आपको रिलीफ मिलेगा 7, 10, 15 दिन में। और पुराने से पुराने एलर्जी, नजला, जुकाम, सर्दी एलर्जी, एलर्जिक राइडाइटिस, साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, कितने प्रकार के कफ के रोग हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। फिर दूध में हल्दी और शिलाजीत ले सकते हैं, च्यवनप्राश ले सकते हैं। तो ये तो मैंने श्वास की एलर्जी के लिए बता दिया। प्राणायाम जरूर करें, प्राणायाम बहुत जरूरी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, भस्त्रिका, कपालभाति, जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा तो एलर्जी हो ही नहीं सकती। जब आप लंग ऐसे स्ट्रांग होगा तो एलर्जी होगी ही नहीं। फिर एक स्किन की एलर्जी होती है। स्किन की एलर्जी के लिए एलोवेरा सबसे बेस्ट है। कितने ज्यादा आपको खुजली हो रही है, दाग धब्बे हो रहे हैं, बहुत बुरी हालत है, एलोवेरा बेस्ट। फिर पूरे शरीर पर पूरी चमड़ी उधड़ गई है तो कायाकल्प तेल लगा सकते हैं, कायाकल्प क्वाथ और कायाकल्प गोली भी खा सकते हैं। कायाकल्प क्वाथ काढ़ा बना करके कायाकल्प की गोली, नीम की और गिलोय की गोली खा लें, स्किन की एलर्जी भी खत्म हो जाएंगे। तो सभी तरह के एलर्जी का उपाय आपको बता दिया। किसी किसी को किसी व्यक्ति से एलर्जी हो जाती, उसके लिए सभी प्राणियों में, सभी मनुष्यों में, मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत में एक ही सच्चिदानंद ब्रह्म है, ऐसा जो दर्शन करते हैं तो उनको किसी व्यक्ति से और किसी जीवन के किसी भी प्रसंग से, अनुकूलता प्रतिकूलता से एलर्जी नहीं रहती है। तो ये एलर्जी का बड़ा उपाय आपको बता दिया।